बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले एक वायरल वीडियो ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके चलते राजद नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब दायर किया है, जहां दायर याचिका में ईडी का कहना है कि केजरीवाल जमानत के लिए हाई ब्लड शुगर का दावा तो करते हैं, लेकिन जेल के अंदर सीएम केजरीवाल मिठाई और आम खा रहे हैं। देश में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कल यानी 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में एक चुनाव अधिकारी की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। कैप्शन में लिखा है, कर्तव्य पथ पर बढ़ते कदम, मतदान कराने चले हम। छिंदवाड़ा जिले में मतदान कर्मी चुनावी ड्यूटी के लिए रवाना। भागलपुर से वर्ष 2014 में राजद के सांसद बने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने आज गुरुवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद से बुलो मंडल ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपको बता दें कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बुलो मंडल को जदयू की सदस्यता दिलाई। वहीं उनके साथ राजद के करीब 50 लोगों ने भी जदयू ज्वाइन कर ली है। रांची में जमीनी घोटाला मामले में करीब 1.5 साल से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने आज जाकर एक बड़ा खुलासा किया, जहां ईडी ने 51 छापेमारी कर 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी कार्रवाई के दौरान ईडी ने 9 सर्वे में 1,25,00,000 रुपए नकदी जब्त की है और बैंकों में पड़ा 3,56,00,000 रुपए फ्रीज भी करवाया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जहां उनके चुनावी हलफनामे में दिए गए ब्यौरे के अनुसार उनकी संपत्ति 5 साल में 2 करोड़ से अधिक बढ़ी है। मतलब साफ है कि उनके पास कुल 4,41,00,000 रुपए की संपत्ति है। भाजपा चुनाव में कांग्रेस से चंद्रपुर लोकसभा सीट को उससे पुनः लेना चाहती है, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में जीती थी। जो कि पूर्वी महाराष्ट्र का ये क्षेत्र अपनी कोयला खदानों यानी कि काले सोने के लिए जाना जाता है। भाजपा ने यहां से वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने दिवंगत सांसद सुरेश धानोरकर की विधवा प्रतिभा धानोरकर को टिकट दिया है। हाल ही में अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला ने भोजपुरी स्टार और गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन को अपनी बेटी का पिता होने का दावा किया है। अपर्णा ठाकुर का कहना है कि उनकी 25 साल की बेटी शिनोवा, जो कि रवि किशन की बेटी है। इस दावे के बदले में एक्टर की पत्नी प्रीति शुक्ला ने अपर्णा और उनकी बेटी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की है। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार है। यूपी से निकले इस सूबे की सियासत का मिजाज ध्रुवीय रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल जैसी पार्टियां भी चुनावों में उम्मीदवार उतारती रही है, लेकिन यहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP और कांग्रेस के बीच रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती से कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के लिए एक रैली में भाषण के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत की जुबान लड़खड़ा गई। मंच से बोलते हुए संजय राउत ने बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद नवनीत राणा के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे, जहां उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट नवनीत को नाची कह दिया, जिसका मतलब होता है डांसर।